होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसा राज्य मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। जी उधर मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार तो बाद शिवसेना मुखी उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिता है कि जेकर भाजपा महाराष्ट्र विच सरकार बनाउण दे लई एनसीपी तो समर्थन लैंदी है तो शिवसेना विरोधी धिर दे विच बैठेगी। स्टेबल गवर्नमेंट, स्थिर सरकार हमारा पाहिजे, हम चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी करे हो हम समर्थन दे। महाराष्ट्र तोड़ने की बात करे और हम समर्थन दे, मुंबई तोड़ने की बात करे हम समर्थन दे, भगवा आतंकवाद कहने वाले साथ रहे और हम समर्थन दें, ये संभव नहीं है। लेकिन मैं यही कहता हूँ, अगर हमें मंजूर नहीं होगी, ऐसी कुछ बात होगी तो हम विपक्ष में बैठेंगे और हम जनता के साथ रहेंगे। जी गल कर रहे हैं कुछ और खबरों की। भारत सरकार पूरे देश में 17 फूड प्रोसैसिंग के गोदाम खोलन जा रही है, जिन्हों के 4 गोदाम पंजाब के हिस्से आए हैं। इन्होंने शब्दों का प्रगटावा केंद्रीय फूड प्रोसैसिंग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने बीते दिनी अमृतसर तो फूड प्रोसैसिंग की शुरुआत करद्या किया। प्रैस वार्ता के दौरान हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि पंजाब के छोटे किसानों और लोगों को इस दा फायदा होगा, इस दे नाल जिथे बेरोजगारों को रुजगार मिलेगा उत्थे महंगाई पर भी लगाम लगेगी। इत्थे अकाली भाजपा गठजोड़ के सवाल से उन्हें इस नूं कोरी अफवाह करार दिता। चाहती है कि पंजाब च जो उगदा हैगा, भावें फल होए, सब्जी होए, जो भी आप कोशिश करिए कि इहदी वेस्टेज घटाइए, वध तो वध प्रोसैसिंग करिए, जिहदे नाल किसान का फायदा होए ते लोगों नूं रोजगार के साधन भी मिलन ते महंगाई भी घटे। सो अज मैं ये सारी स्कीमां दे बारे लोगों नूं दसन वास्ते आई हाँ ते उहनां दे नाल होर सलाह मशवरा करके कि होर कोई स्कीमां हैगियां जे मेरे महकमे तो मैं कैबिनेट तो पास करा सकां जिहदे नाल अपने लोगों नूं फायदा हो जाए। अजय मैं 17 खोलन दी देख रही हां, नहीं नॉट इन पंजाब, ऑल ओवर इंडिया 17 वास्ते मैनू तकरीबन 73 या 75 एप्लीकेशंस आईयां ने, उहनां दी स्क्रीनिंग होके 75 विचों 17 नूं अलॉट कीते जाणगे। इह तां जिहड़े करंट ने, इहदे बाद 3-4 महीने बाद होर होणगे।